सेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, और सेक्शन ऑफ सॉलिड में डिफरेंट टाइप के कंडीशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन प्लेन। फर्स्ट कंडीशन को हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस था उसमें हम लोगों ने बात किया था, उसके बारे में हम लोग सीखे भी थे फर्स्ट कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे हम लोग कहाँ इसी वीडियो में सेकेंड जो कंडीशन होते हैं उसको कैसे हम लोग उस पर कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन क्या है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म वैसा प्रिज्म जिसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर हो, इसमें ऐसा गिवेन नहीं है, लेकिन आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ 40 mm बेस साइड एंड 60 mm हाइट ऑफ एक्सिस। ट्रायंगल का एक बेस का साइड, बेस साइड कितना है 40 mm का है, एंड हाइट कितना, टोटल हाइट है 60 mm। हाइट ऑफ एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस एज ऑन HP। बेस एज पे मतलब कहाँ पे रखना है इसको, राइट साइड में एक ट्रायंगल का बेस एज रखना है। ए सेक्शन प्लेन इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म 50 mm एबव द बेस। अब सेक्शन प्लेन है जो कट कर रहा है किसको, प्रिज्म को कट कर रहा है, कहाँ से कट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका हाइट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, टोटल 60 है, तो कहाँ पे कट कर रही है, 50 mm पे टोटल, तो 50 mm पे मेजर करेंगे वहाँ से कट कर रहा है। ठीक है, ये बात तो कट कर रहा है, यहाँ से एक्सिस को कट कर रहा है, बॉडी कॉर पार्ट भी है। अब कैसा है जो हमारा सेक्शन प्लेन है उसका कंडीशन क्या है, द सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP। HP से पैरेलल मतलब पैरेलल है ना, HP से पैरेलल। BP से कैसा है ये, एंड परपेंडिकुलर टू BP, मतलब ऐसे VP पे क्या दिखाई देंगे, प्लेन लाइन दिखाई देंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या दिखना चाहिए, पूरा का पूरा प्लेन दिखना चाहिए, अगर हम अगर सेक्शन प्लेन को अगर शो करें तो। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास में सॉलिड होता है उसका हमें प्रोजेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, सॉलिड हमारे पास गिवन है, तो हम सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और नीचे में हम सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और बेस क्या है उसका, ट्रायंगुलर प्रिज्म का नीचे में है HP पे रखा हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे और 40 mm का एक डिस्टेंस XY लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया XY लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेंगे। HP पे रखा हुआ है इस टाइप से, इसका हमें अगर एक्सिस हमें फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, मीडियंस कट करेंगे इसके, यहाँ से मिडिल पॉइंट से दो मीडियंस को जहाँ कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक हमें एक्सिस मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, क्या, एक्सिस हो जाएगा। प्रिज्म को जब हम टॉप से देखेंगे, प्रिज्म को जब हम टॉप से देखेंगे क्या दिखाई देगा हमें, हमें दिखाई देगा यहाँ पे ए पॉइंट के बाद में यहाँ पे, इधर से ए, यहाँ बी, यहाँ सी, फिर यहाँ नीचे डी ई एफ। तो यहाँ देखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे, और प्रोजेक्शन के साथ में ठीक है, ये एक्सिस है, पार्टिकुलर पॉइंट्स का प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग, और देखते हैं कहाँ कहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट एक्सिस का लेते हैं, और एक्सिस से हाइट लेंगे हम, ठीक है। यहाँ इसके बाद में दूसरा प्रोजेक्शन लेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं। सबसे टॉप फेस हमारा होगा उसका नाम होगा ए बी सी, बॉटम फेस होगा उसका नाम होगा डी ई एफ, ए डैश बी डैश सी डैश, है ना, डी डैश ई डैश एफ डैश। तो ये नेमिंग हो गए, एक्सिस हो गया। इसे कट करना कहाँ से, 50 mm, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ये 60 है, तो 50 mm करीब डिस्टेंस लिया और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। मतलब एक्सिस होंगे, एक्सिस कहाँ से पास होगा, कहीं ना कहीं इस लाइन से पास होगा, और एक्सिस का पोजीशन क्या है, एचपी से कैसा है, एचपी से पैरेलल है, तो वहाँ तभी कुछ नहीं करना। आपको देखना है एक्सिस कौन से लाइन से परपेंडिकुलर है, कौन से प्लेन से परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से या वर्टिकल प्लेन से। अब हमारे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है द सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एचपी, एचपी से तो पैरेलल है, एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी से परपेंडिकुलर है, तो हमें वीपी पे चलना है। कहाँ वीपी, यहाँ पे है, और वहाँ से परपेंडिकुलर, मतलब मीनिंग ये है कि वीपी पे हमें एक लाइन बनाना है। सिंपली तो हम क्या करेंगे, पैरेलल है एचपी से, यहाँ से देखा जाए तो एचपी के ये पैरेलल दिख रहा है ना, और वीपी से कैसा है, परपेंडिकुलर। चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, और लाइन ड्रा करने का क्या मतलब, मीनिंग क्या है, जो हम सेक्शन प्लेन बनाते हैं वो सेक्शन प्लेन कैसा होता है, सेक्शन प्लेन, इसके बाद ठीक लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ये इसको एक्स एक्स नाइन नाम दे सकते हैं आप। तो ये सेक्शन हो गया। अब जब हम क्या करेंगे, सेक्शन में वो पार्ट जो मेजर पार्ट है, वो पार्ट जो सरफेस से टिका हुआ पार्ट है, कई बार गिवन होता है कौन से पार्ट को रखना है, कौन से पार्ट को हटाना है, लेकिन अगर नहीं है तो जो मेजर पार्ट है जो सरफेस पे है, कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, डी ई एफ वाला पार्ट है, ए बी सी वाले टॉप फेसेज है, टॉप साइड है, टॉप ऑब्जेक्ट का ऊपरी भाग है, इसको हम हटा देंगे। हटा देंगे, इसको हटाने के बाद में बचेगा क्या, यहाँ से लेकर के ये जो रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएंगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट, यहाँ नीचे वाले पार्ट का तो नेमिंग है, ऊपर वाले का नेमिंग नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या नेम हो जाएगा यहाँ पे, वन डैश टू डैश, और टू डैश मतलब जो बी और ई के बीच में उसको टू डैश रखेंगे, जो सी और एफ के बीच में उसको थ्री डैश करेंगे, ठीक है। ये अब ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कौन सा आ गया, वन आ गया, ए तो रहा नहीं, तो ए को हटा करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। बी को हटा करके टू आ जाएगा, सी को हटा करके थ्री आ जाएगा, ये डिफरेंट नेम हो गए, समझ में आ रहे हैं। और क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको कट करके हटा दिया तो ये पार्ट में क्या, कौन सा कलर दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर। अब कौन सा करेंगे, क्या करेंगे, तो इसको हैच करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले आप डार्क कर दे, क्योंकि ये सरफेस बचेगा, इसको हैच कर दे, यहां से इसको हैच कर देंगे, समझ में आ रहा है, इसको हैच कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसको भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। टॉप वाले को सारा काम आपको पहले 4H पेंसिल से करना है, और बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये पार्ट है हमारे पास में, बचा हुआ पार्ट है, और ऊपर वाला पार्ट है जिसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है, मतलब क्या है, वो पार्ट बाहर निकल गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे आगे चल के। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट कंडीशन था हमारा सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन, मतलब एच पी एंड वी पी से, एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्रिंसिपल प्लेन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है कंडीशन नंबर दो, इसको मैं बनाता हूं। और ये आप लोग प्लीज इसको नोट कर ले। ट्रायंगुलर है ये, एंड इसको आप नोट कर लेंगे पहले, क्वेश्चन को भी साथ में। तो कंडीशन नंबर सेकेंड है हमारा, ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्रिंसिपल प्लेन, मान लेते हैं वीपी, है ना,
एचपी की कंडीशन बाद में देखेंगे। बीपी शेप कैसा है? परपेंडिकुलर है। एंड फर्स्ट कंडीशन में था पैरेलल का कंडीशन था, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल ना करके इंक्लाइन करते हैं। एंड इंक्लाइंड टू अदर प्रिंसिपल प्लेन्स। अदर कौन सा है? अगर बीपी से रखे तो एचपी से कैसा होगा, ये इंक्लाइन होगा। और अगर एचपी से रखते हम क्या, परपेंडिकुलर, तो बीपी से इंक्लाइन होता। ठीक है, ये कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ये। तो कंडीशन, अब आप लोग क्वेश्चन भी नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारा कंडीशन कैसा था। इसमें फर्स्ट कंडीशन में रखें कि जो हमारे पास में कटिंग प्लेन है या सेक्शन प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू वीपी है, मतलब सबसे पहले उसको वीपी पे बनाना है। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एचपी से क्या है, इंक्लाइन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट मतलब हम ले लेते हैं स्क्वायरल प्रिज्म ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे मान लिया हमने एक्स वाई लाइन लिया और एक स्क्वायरल प्रिज्म जो एचपी पे रखा हुआ है, बेस पे रखा हुआ है, बेस एज पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्क्वायर एक बना दिया हमने, स्क्वायर इससे यहाँ पे नेमिंग करते हैं, सबसे टॉप फेस ए बी सी डी और इसका एक्सिस हो जाएगा कहीं बीच में। यहाँ पे हाइट ले लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, चलिए देखें, ये हमारे पास में एक स्क्वायरल प्रिज्म है ए बी सी डी। यहाँ पे ई एफ जी एच ये बॉटम फेस है, ये एक्सिस है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश, ये हमारे पास में आ गया। अब कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो इंक्लाइन है, किससे, एचपी से इंक्लाइन है, एचपी से इंक्लाइन है, वीपी से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किससे है, वीपी से। आपको फिर ये सोचना है बनाना तो कहाँ, हमें वीपी पे ही बनाना है क्योंकि वीपी से परपेंडिकुलर है। वीपी पे क्या होगा, अब लाइन के तौर पर वो जो सेक्शन प्लेन होगा वीपी पे लाइन दिखाई देगा। ठीक है, एचपी पे नहीं बनाएंगे क्योंकि एचपी पे पूरे प्लेन दिखाई देंगे और कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन वीपी पे क्या दिखाई देंगे, वो प्लेन लाइन दिखाई देंगे। ठीक है, तो लाइन दिखाई देंगे। अब कैसे दिखाई देंगे, ऐसे फर्स्ट कंडीशन में था। अब क्या एचपी से इंक्लाइन है, एचपी से मान लीजिए थीटा से, थीटा एचपी से थीटा डिग्री से इंक्लाइन है, तो हम क्या करेंगे, एक एचपी से इंक्लाइन लाइन लेंगे, एचपी से थीटा से इंक्लाइन लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में जहां से भी कट कर रहा हो वहां से क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन को यहां से देखेंगे तो एक इंक्लाइंड प्लेन बन गया ये। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। इसको हम लोग सेक्शन प्लेन तो कहेंगे ही, अब सेक्शन प्लेन इसका एक और नेम हो जाएगा एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, एक ऐसा प्लेन इंक्लाइन प्लेन जो अलग से आ गया किस पे, एच पी और वी पी पे, एक्सेलरेटेड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, या इसको सेक्शन प्लेन या इसको कटिंग प्लेन तो कहेंगे। एक्सिस को यहाँ से ये पास हो रहा है तो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। फर्स्ट कंडीशन में हम देखते थे कि जितना टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस होता था उतना ही पार्ट कटिंग सरफेस भी होता था, लेकिन अब यहाँ पर बात चेंज हो चुकी है। चेंज क्या क्या हो गया इसमें,
कि सबसे पहली बात तो इसको जब हम कट करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचेगा, ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट ऊपर का पार्ट निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस पार्ट को अगर हम हटा भी दें तो सेक्शनिंग वाले जो पार्ट है वो कितना, उसका लेंथ पहले कितना लेंथ था, यहाँ से ए से बी का लेंथ हमें पता है, जो भी हमने 4-5 जितना भी सेंटीमीटर लिया हो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा ये नहीं पता, ये निकालने होंगे या एक्चुअली यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे जो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा होंगे ये, ठीक है। तो कटिंग सरफेस जो है जितना हम इसको इंक्लाइन करेंगे उतना ही कटिंग सरफेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर जाएंगे तो और लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। और जितना अगर ये 0 डिग्री पर रहेंगे तो मतलब कि जितना लेंथ यहाँ है उतना ही लेंथ ये रहेंगे, तो ये लेंथ बढ़ गया। तो पहली कंडीशन तो कटिंग जो एरिया है, जो इतने एरिया में कट कर रहा है वो एरिया हमारा बढ़ गया, और जो कटिंग एरिया होगा उसको ट्रू शेप कहा जाता है, ट्रू लेंथ या ट्रू शेप कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। ए बी सी डी तो हमने क्या किया, ए बी सी डी वाले पार्ट को हटा दिया, यहाँ अलग नेम होंगे, क्या क्या नेम रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर नेम रख देते हैं सबसे पहले ए और ई के बीच में 1, बी और जी के, बी और एफ के बीच में 2, सी और जी के बीच में 3 और डी और एच के बीच में 4। सभी में डैश लगा दीजिए, ये नेमिंग हो गए। और रिमेनिंग पार्ट बच गया कौन कौन सा, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, ठीक है, ये पार्ट रिमेनिंग पार्ट बच गया। ऊपर से टॉप से जब आप देखेंगे टॉप व्यू में तो कैसा दिखाई देगा, टॉप व्यू में कहाँ पे दिखता है, एचपी पे, एचपी पे अभी कैसा दिखाई दे रहा है, ये जब ए बी सी डी है तो, लेकिन अब ए बी सी डी तो रहा नहीं, ए के बदले में क्या आ गया, ए और ई के बीच में 1 आ गया, बी और एफ के बीच में आ गया 2 आ गया, सी और जी के बीच में आ गया 3 आ गया, डी और एच के बीच में आ गया 4 आ गया, तो 1, 2, 3, 4 आ गया। और टॉप से देखेंगे तो पूरा का पूरा एरिया दिखाई देंगे आपको बिल्कुल, इसके सामने देखेंगे तो आपको ई के जस्ट ऊपर ही 1 दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो बी और एफ के बीच में बी के जस्ट एफ के जस्ट ऊपर दिखाई देंगे 2 दिखाई देगा, सी और जी के बीच में सी के जी के जस्ट ऊपर आपको 3 दिखाई देगा। तो ये इसी इतने ही लेंथ के दिखाई देंगे, कटिंग एरिया आपको बिल्कुल इसी लेंथ के दिखाई देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, हैच कर देंगे। चलिए इसके यहाँ तक तो हम कर दिया, लेकिन क्या ये कटिंग एरिया इसी लेंथ का है, नहीं, इसका लेंथ बढ़ गया है। तो हमें क्या करने होंगे, इस लेंथ को एक्चुअल लेंथ क्या है वो हमें निकालने होंगे। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग, उसे निकालने के लिए एक तरीका यूज़ कीजिए, मैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे काम करना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंक्लाइन लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन, ऊपर जगह है आपके पास तो, या नहीं तो हम नीचे भी पैरेलल होना चाहिए लेकिन, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल यहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, चलिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया पैरेलल लाइन। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारे पास इंक्लाइन लाइन है, हमारे पास में 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इंक्लाइन लाइन पे, 1, 2, 3, 4, जिसमें से कि 1 और 4 एक ही पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, 3 और 2 एक ही लाइन पे दिखाई दे रहा है, एक ही सेम पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर, उससे इस पार्टिकुलर पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से होते पास करेगा वो, हम क्या करेंगे इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सिमिलरली दूसरे पॉइंट से भी करेंगे, ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। और फिर हमें क्या करना है, ट्रू शेप हमें लेना है, इसके लिए हमें एक काम करने होंगे, जो हमारे पास एक्स वाई लाइन दिखाई दे रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स वाई लाइन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से अभी कौन सा पॉइंट हमें दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, 1, 2, 3, 4,
इस 1, 2, 3, 4 का प्रोजेक्शन दूसरे साइड में, मतलब टॉप, ये फ्रंट व्यू में दिखाया जाए, टॉप व्यू में कहाँ कहाँ पे, यहाँ है 1, 2, 3, 4। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई लाइन से 1 की डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई लाइन से 2 का डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई लाइन से 3 का डिस्टेंस कितना है, 4 का डिस्टेंस कितना है, ये हमें मेजर करना है, और इस लाइन पे से वो डिस्टेंस लेकर के मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है, एक्स वाई लाइन है हमारे पास में यहाँ पे है, यहाँ से हमें 1 का डिस्टेंस, एक्स वाई से 1 का डिस्टेंस, जैसे हमने क्या करेंगे कंपास की सहायता से लेंगे, 1 से लेकर के एक्स वाई का डिस्टेंस लिया, और ऊपर वाली इसके पैरेलल जो खींचा यहाँ से 1 पास कर लीजिए, देखिए यहाँ से हमने मार्क कर लिया, कौन सा मार्क किया, 1। ठीक है, 2 करेंगे कहाँ से, उतना ही सेम डिस्टेंस है 2 वाले लाइन में, यहाँ करेंगे 2। फिर हमें देखना है क्या, एक्स वाई लाइन से 3 का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से हमने 3 का डिस्टेंस लिया, और 3 देखिए यहाँ से पास किया, यहाँ से 3 का डिस्टेंस लेंगे, ये हो गया 3, और इतने डिस्टेंस से करीब करीब 4। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस लेकर के हम क्या करेंगे, सभी को ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4, सभी को हम क्या करेंगे मिला देंगे, 1 से 2, 2 से 3, और ये हो जाएंगे क्या, एक्चुअल में जो ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल लेंथ एरिया, एक्चुअल एरिया, ये इसको भी हैच करेंगे, 1, 2, 3, 4, इसका नाम होगा ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट, जब आप इनक्लाइन बनाते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ट्रू शेप भी बनाना होता है। साथ में हमें एक और काम करने होते हैं, जब कभी की बार हमें ये पूछा जाता है कि इसका साइड व्यू बनाना है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इसको हम फ्रंट से, इसको हमने फ्रंट से देखा, इसको टॉप से देखा, अगर हमें इससे साइड से देखने की कोशिश करें, इधर से या इधर से, साइड व्यू कहा जाता है उसको, साइड व्यू से अगर इसको देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, ये दोनों हमें कम लेंथ का दिखाई देगा, इसके जस्ट पीछे हमें ये दोनों ज़्यादा लेंथ का दिखाई देगा, और इसके जस्ट ऊपर हमें क्या, ये लाइन का पोजिशन करीब करीब यहाँ होगा, ऐसे जस्ट ऊपर यहाँ होगा, तो ये हमें दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, ये भी हमें बनाना होता है, इंक्लाइनेशन के कंडीशन में हमें ये बनाना होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लो पहले डिफरेंट नेम को, या आप वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं, आप कर लेना इसको। सबसे पहले हम इस लाइन को, एक्स वाई लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद में यहां से कुछ निश्चित दूरी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, एक्स वाई से परपेंडिकुलर लाइन, और ऐसे ले लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 से प्रोजेक्शन लेंगे, जो हमारे पास 4 पॉइंट है, चारों से लेंगे, जब हम लेंगे यहाँ से 1 से तो 2 होके पास करेंगे, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमें 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से जो पॉइंट लाइन लेंगे वो इस पॉइंट पे 4 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं पहले 1 और बाद में 2 लिखा, यहाँ 4 यहाँ 3 लिखा, इसका मीनिंग ये है जब हम इधर से देखेंगे आपको 1 दिखाई देगा पहले और 4 दिखाई देगा, 2 और 3 बाद में दिखाई नहीं दिखाई देगा या बाद में दिखाई देगा, तो 1, 2, 3, 4 साथ में 1 के साथ में और क्या क्या है, ई है, 4 के साथ में एच है, तो मतलब ये जो लाइन है 4H3C को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ से ये लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये 1E और 2F को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जो भी है, यहाँ से क्या करेंगे इसके बाद में, ये जो एक्सिस, एक्स वाई लाइन और इस लाइन के बीच में जो पॉइंट कट किया है, इस पॉइंट से कंपास की सहायता से ये डिस्टेंस लीजिए और हॉरिजॉन्टल पे इसको रोटेट कर दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, इस पर रोटेट कर दीजिए, ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है,
फोर एंड थ्री, और फोर के नीचे क्या है, एच एंड जी। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वन और ई, और साथ में टू और एफ को, ये चार चार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ में एक्सिस लाइन है मिडिल में, यहाँ से एक्सिस का देखेंगे, एक्सिस को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक्सिस। हाइट जो भी हाइट है, अब यहाँ से हाइट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हाइट ड्रॉ कर कीजिए, ठीक है, हाइट टोटल हाइट। अब यहाँ से टॉप से हाइट कितना है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये डिस्टेंस, तो रिमेनिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ हाइट हमें मिल जाएगा, यहाँ से एक्सिस का हाइट है जो भी है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को टोटल होता जब देखते तो हमें यहाँ से ऐसे दिखाई देता, लेकिन अब टोटल है नहीं क्योंकि ये कट चुका है, यहाँ से ये पार्ट हट चुका है। तो यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहले इधर से जब देख रहे हैं हमें टॉप फेस में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर टोटली अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वन एंड फोर, इधर से देख रहे थे क्या दिखाई दे रहा है हमें, वन एंड फोर, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेंगे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर लेंगे, ठीक है, सॉरी। देखें यहाँ सबसे पहले राइट साइड में नीचे की तरफ वन है और पहले की तरफ दिख रहा है, राइट साइड में नीचे की तरफ वन, वन के सामने, तो यहाँ लिखेंगे हम वन। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में कि लेफ्ट वाली जो लाइन गई है नीचे वाला लाइन पॉइंट, यहाँ कौन सा है, वन के सामने, यहाँ फोर है, ठीक है। सब वन के नीचे क्या है, ई है, सबसे पहले नीचे में यहाँ ई है, ये दिख रहा है, और फोर के नीचे क्या है, यहाँ पे एच है, ये भी दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पीछे वाले लाइन में, राइट साइड वाले में यहाँ पे टू लाइन दिखाई दे रहा है, और टू कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे टू, और इधर से है यहाँ पे देखेंगे तो थ्री दिखाई दे रहा है, तो वन टू थ्री फोर, और टू के नीचे क्या है, एफ है, जो कि इधर से देखेंगे तो हमें एफ और टू दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ ई के बाद लिखेंगे एफ और एच के बाद नीचे लिखेंगे जी, ये दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। नेमिंग चेंज करेंगे, यहाँ से दोनों गए तो इसमें वन डैश लगा दीजिए, वन डैश वन डैश वन डैश वन डैश वन डैश वन डैश वन डैश, ठीक है। इस सभी में ये पार्ट जो ऊपर का पार्ट है वो कहाँ गया, तो वो अब नहीं दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था, ये कटिंग सेक्शन, इधर से देखेंगे तो कटिंग सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसे तो हम हैच कर देंगे, और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को एक्सिस यहाँ से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सिस यहाँ से डैश डॉट करके यहाँ, इसको कहेंगे हम लोग सेक्शनल साइड व्यू। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एक कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई देगा, अगर आपको इंक्लाइन के पोर्शन में इंक्लाइन टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, सेक्शनल प्लेन अगर इंक्लाइंड हो तब आपको सॉल्व करना है, तो तीन फिगर बना के ये, इसमें चार बेसिक जो ऑब्जेक्ट है आपको बनाने होते हैं, एक तो ये सेक्शन प्लेन, यहाँ पे ये हैच करते हैं ये, सेकंड तीसरा ये, और फोर्थ ये होता है, तो ये चार ऑब्जेक्ट आपको नए से फॉर्म करने होंगे। इसको कहेंगे सामने वाला जो रिमेनिंग पार्ट बचा, इसको आप लोग कह सकते हैं सेक्शनल फ्रंट व्यू, इधर वाले पार्ट को कहेंगे नीचे वाले को सेक्शनल टॉप व्यू, इधर देख लीजिए सेक्शनल साइड व्यू, और इसको कहेंगे ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोग अपने घरों में ही रहें, आपके पास में जो भी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से आप लोग काम करें, क्वेश्चंस करते रहिए बराबर इक्वली, और तो कुछ आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है, मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पे, इस दोनों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ओके।